भाई ये शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई। देखो आज ना गाड़ी धुलवा लेते हैं। देखो बहुत गंदी हो रही है। ये देखो ये सब, ये देखो मैट वैट, ये देखो ये मिट्टी विट्टी, और देखो पीछे देखो, ये देखो कितनी गंदी हो रही है। तो यार मतलब गाड़ी वाला वो साफ करने वाला तो रोज आता है, लेकिन यार ये देखो वो है ना, ये चीजें, ये देखो ध्यान से देखो आप, ये वो चीजें ये नहीं कर पाते। वो जो मशीन से वो प्रेशर प्रेशर मार के कर लेते हैं ना, ये देखो छाछ वगैरह, ये दूध वगैरह आता है तो वो भी गिर गया। तो मखाज करा ही लेते हैं यार, साफ संडे का दिन है, वैसे ही साफ हो जाएगी बढ़िया। गंदी बहुत ज्यादा हो रही है यार। ये देखो ये चीज है ना, ये देखो ये मैल देखो पूरे पे, ये देखो आप यहाँ पूरे पे मैल देखो, ये यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे भी, ये देखो। तो वो अच्छे से हवा हुआ मार के वो कर देते हैं तो वो सफाई बढ़िया हो जाती है भाई। प्लस अगर आप किसी बड़े उसमें 3M वगैरह में जा रहे हो ना, तो जैसे ये देखो ये मेरी गाड़ी पे ये एक बार बर्थडे सेलिब्रेट करा था तो केक के निशान है, चॉकलेट केक के, ये देखो ये केक वगैरह ऊपर लग गया। तो आप किसी अगर बड़े उसमें जा रहे हो तो आप वहां पे ये सब भी करवा सकते हो। फिर भाई आने वाले कुछ टाइम में ना इस शीशे का भी जुगाड़ करवाएंगे यार। ये बहुत मतलब अब टाइम हो गया यार, एक साल हो जाएगा अब इसको टूटे हुए को कुछ दिनों में, तो इसको भी करवाएंगे यार ठीक। ये देखो ये बुरा लगता है, मतलब ये टूटा बहुत छोटा सा था, यहाँ तक टूटा था कहीं ठीक है, लेकिन फिर ये हो इतना बड़ा गया कि मेरे को ही नहीं पता चला कि ये इतनी जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया। भाई अब मैं वो पहुंचने वाला हूँ दुकान पे, ये एक गली पार करते ही और वहां पे नंबर गेट नंबर 2 के पास आ जाएगी, तो मैं आपको सीधा दुकान पे मिलता हूँ, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। आज तो यार भीड़ नहीं है, तो मैं तो गलत सोच रहा था आज भीड़ होगी। ये आइटम धुलने लग रही है भाई, ये देखो इससे पूछता हूँ कहाँ लगानी है। भाई कहाँ लगानी है? ऊपर? अच्छा लो, गंदी वंदी हो रही है यार। ये देखो टेप तो बढ़िया लुक दे रही है यार पहले से ना। ये भाई कह रहा है कि आप अपना सामान वगैरह निकाल लो, तो ऐसे तो कोई सामान मेरी गाड़ी में है ही नहीं, तो कपड़े हैं इसके धोने वोने के, यहाँ पे कुछ है नहीं। वॉलेट निकाल लेता हूँ, वॉलेट सिक्के, ये सिक्के निकाल लेता हूँ, नेल बटर चावल सिक्के, ये सब निकाल लेता हूँ, पर्ची वर्ची वगैरह, पर्ची वर्ची निकाल लेता हूँ, आ तो गया। ओहो यार ये जिम का बैग भी यहीं पड़ा है। ओहो यार ये तो चढ़ा हो गया। चलो यार मैं सामान निकाल ही लेता हूँ सारा। ये देखो ये कपड़े वपड़े पड़े हैं, भाई ये देखो भाई ने ब्लोअर वगैरह मारना शुरू कर दिया। यहाँ की जितनी भी मैल वगैरह थी वो सारी ये ब्लोअर खींच लेगा। हो सकता है आपको मेरी आवाज इतनी क्लियर ना आ रही हो। ये देखो ये रहा पीछे वो ब्लोअर, अब ये सारी ये मैल जितनी भी डस्ट होती है ना भाई, ये जूते चप्पल जितनी की भी, ये सारी खींच लेता है। यहाँ पे भी जितनी भी होगी और वहां पे भी, ये सारी खींच लेगा। ये देखो ये देखो भाई, ये सारा भाई अपनी अभी करने लग रहा है। अभी पीछे यहाँ पे ना हर जगह पे इन्होंने हवा वगैरह मार दी है। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप शायद पानी वानी का होगा इनका। अभी तो ये ब्लोअर से सारी सफाई वगैरह कर रहे हैं। प्रेशर देखो आप एक बार, ये देखो मतलब भाई नीचे भी कितनी डस्ट होती है आपकी गाड़ी के। ये देखो इनके पास है ना नीचे जाने का एक वो होता है, तो उसके बाद नीचे जाके पानी का प्रेशर मार देते हैं। मैं आपको पास से दिखाता हूँ, देख रहे हो भाई आप कितनी डस्ट होती है यहाँ पे भी।
निकालो मत, नहीं नहीं लगा के रखनी है भाई, आप तो निकाल लो, नहीं 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 देखो इधर से ये अंकल मारने लग रहे हैं, इधर से ये भाई मारने लग रहा है, पूरी प्रॉपर क्लीन हो रही है भाई। उधर एक अमेज और आ गई, वो अमेज की भी सफाई हो रही है। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. मैंने निकलवाया इसलिए नहीं क्योंकि मैंने ये पेंट करा रखे हैं, ये स्टॉक तो सिल्वर आते हैं, ये ब्लैक कलर के मैंने पेंट करा रखे हैं, तो इनके पेंट निकलने का डर रहता है, इसलिए ये कह रहे थे निकाल के कर दें, तो मैंने मना कर दिया कि इनको निकाल के मत करें। अभी ये बाहर बाहर से ये देखो, अभी ये टायर की बारी आई, ये भाई रगड़ने लग रहा है टायर को अच्छे से, आगे वो काम चल रहा है भाई, बहुत जल्दी गंदा होता है यार। मतलब इस कलर पे है ना, आप यूं लगा लो, अभी मैं धुलवा कर जा रहा हूँ ना, मैं अगर आपको शाम को ही दिखा दूंगा तो यार ये इतना गंदा हो जाएगा, क्योंकि ये धूल बहुत जल्दी पकड़ता है यार, सिर्फ इसीलिए। डार्क कलर यार आप मतलब अवॉइड ही करना है, तो मतलब हमने ले लिया इनको क्योंकि इस पर ना डेंट वेंट कम दिखते हैं। अब ये देखो जैसे ये डेंट लगा हुआ है, ये देखो है ना, ये इतनी उससे वो नहीं आ रहा, पकड़ में नहीं आ रहा, वाइट कलर होता तो पकड़ में आ जाता, तो डार्क कलर का ये फायदा है। लेकिन भाई ये इसका डिसएडवांटेज है, ये धूल बहुत जल्दी पकड़ता है, ये रंग बहुत जल्दी धूल पकड़ता है यार। मतलब मैं धुलवा रहा हूँ ना अभी आपके आगे, अब देखना शाम तक ही देख लेना ये इतनी धूल पकड़ लेगा, ये बस एक डिसएडवांटेज है मेरे को इस कलर का। ये देखो भाई अभी है ना पानी जो डाला था सुखा रहे हैं उसको, कि भाई गाड़ी मतलब क्योंकि इंजन का एरिया है तो गाड़ी कहीं ऐसी जगह पे पानी ना रह जाए जो मतलब शॉर्ट सर्किट वगैरह होने का डर हो। पता नहीं अब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, ठीक है भाई। तो ये देखो पानी अब सुखाने लग रहे हैं, ये देखो ये हवा मार रहे हैं, ये पानी सूख रहा है। अब ये क्या करेगा भाई, ये क्या है भाई, ये पॉलिश, अब भाई ये पॉलिश मार रहा है भाई। वाह यार वाह, मतलब आपको यार 250 रुपये में इतनी चीज़ें मिल रही हैं, ये भी तो देखो आप 3M वगैरह और इन सब से तो यार कभी कभार ना अपने घर के पास ही बढ़िया काम हो जाता है। ये देखो अभी भाई, भाई पूरी गाड़ी पे मारोगे, अच्छा आगे आगे भाई, इसकी खुशबू तो नहीं आ रही होगी आपको लेकिन मेरे को बहुत जबरदस्त आ रही है यार। हाँ 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 दादर है शोर वाइब जैसे कान में कादर है, बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है रिप ये अलग माल में फरक नच बली है तूने देखी अभी झलक नान मेरा कड़क संगीत के ठरक तुम ही बताओ जो बोला क्या गलत सब जलने लगे है काफी डरने लगे है मेरी मार्केट ना खा नीचे धरने लगे है मेरी बातों के नोट्स और फर्रे लगे है मेरी बातों के बारिश में गलने लगे। सुनना यार भाई बहुत चढ़ गई यार, घर कैसे जाऊंगा यार, अब एक बियर पी ले सब ठीक हो जाएगा। अबे क्या बोल रहा है, अबे सुनना 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 सुन जी शब्दों की पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची भाई तेरा दास फुल कॉमेडी करे जैसे 90 का गोविंदा। सुनना सुनना अरे भाई सुनना 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 अरे भाई सुनना अरे भाई सुनना सुनना क्या बोल रहा सुनना अरे भाई सुनना अरे भाई सुनना यार सुनना यार अबे सुनना यार। ये देखो भाई गाड़ी धो दी बिल्कुल अच्छे से पॉलिश वगैरह, अब यहाँ पर ये फाइनल प्रोसीजर हो रहा है, अभी अंकल जो हमारे ये कपड़े पहुंच रहे हैं बस गाड़ी को, तो पॉलिश वगैरह अंकल यहीं मारोगे, अच्छा ये पेड़ के नीचे छाया में है। ये देख लो भाई हो चुका है पूरा प्रोसीजर, अब अंकल सिर्फ पहुंच रहे हैं कपड़े से, सूखे कपड़े से गाड़ी वगैरह अंदर धुलती है, यहाँ पे पूछती हैं सिर्फ, ये पेड़ वेड़ के छाया के नीचे यार थोड़ा ठीक हो जाता है ना काम। लो भाई ये भाई बैठ गए अंदर, और अब पहले ये नॉर्मल कपड़े से पहुंच रहे हैं, इसके बाद पॉलिश डालेंगे क्योंकि वो जो अंदर डस्ट वगैरह थी उसके ऊपर पॉलिश नहीं डाल सकते, तो पहले सफाई कर रहे हैं उसके अंदर से और उसके बाद लगाएंगे भाई ये पॉलिश। मतलब यार खाली कपड़े से भी यार देखो काफ़ी चमक जाती है, मतलब आप लोग अगर नहीं मूड बन रहा आपका बाहर ले जाने का तो घर पर भी खाली कपड़ा ऐसे मार सकते हो, काफ़ी चमक जाती है, लेकिन वो ये यार जब बाहर आए हैं तो पॉलिश वगैरह सभी कराएंगे ना। ये देखो भाई अभी भाई अपने इस पर ये पॉलिश डाल दी और अब ये पॉलिश का कार्यक्रम शुरू हो गया, ये देखो ये पॉलिश का कार्यक्रम शुरू हो गया भाई। इसको खोल के भी इसके अंदर भी लगा दे, सारे में लगेगा, अच्छा सारे में ही लगेगा, ये तो हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है भाई,
तो ये पेंट के धब्बे हैं, ये कैसे जाएंगे? रबिंग से? रबिंग करानी पड़ेगी इसकी किसी को, क्योंकि यार देखो शीशा तो मैं बदलवाऊंगा, शीशे पे भी पेंट है। हाँ देखो शीशे पे पेंट है तो शीशा तो बदलवाना है, क्योंकि वो टूटा हुआ है वहाँ से, ये तो चीज़ें बदल नहीं सकती, तो ये रबिंग करवा देंगे इसकी आने वाले कुछ टाइम में। तो भाई गाड़ी अपनी पूरी हो चुकी है क्लीन, ये देख लो भाई बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, यहाँ से ये देख लो, हर जगह से देख लो, ये देख लो MID देख लो पूरी क्लीन, ये देखो इन्फोटेनमेंट देख लो, AC वगैरह कंट्रोल ये इन्होंने यहाँ पे लगा दिए हैं। वी ट्राई टू कीप योर कार क्लीन जस्ट फॉर यू, थैंक्स, विजिट अगेन। जरूर आएंगे भाई विजिट अगेन, बहुत अच्छा काम करा है। पीछे देख लो, पीछे बिल्कुल साफ हो गई है गाड़ी, ये देख लो टनाटन हो गई बिल्कुल। अभी भाई वो पानी वानी डाला था ना, इसलिए दोबारा कोल्ड स्टार्ट ले लिया इसने, क्योंकि इंजन ठंडा हो गया था। तो अब चलते हैं हम अपने घर। भाई जो मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस लिया ना भाई, वो ये था कि यार देखो 250 रुपये वर्थ है यार, मतलब आपको इतना सब वो दे रहे हैं किसके लिए, वो आप ही के लिए दे रहे हैं भाई। आप अगर 3M वगैरह में जाते तो आपसे वो लेते भाई 800-900 हजार रुपए, ठीक है, लेकिन यार वो ही वाली बात है, ये काम जो ये करते हैं ना वो ही वो करते हैं, बस वो है कि उनकी वो पॉलिश वगैरह पे उनका छापा होता है 3M का, और कोई डिफरेंस नहीं है यार। तो बढ़िया लगा, कोई ऐसे मेरे को तो दिक्कत परेशानी महसूस हुई नहीं, और यार काम तो देखो बढ़िया करा है, आपके आगे सारी पॉलिशिंग वगैरह, आपके आगे ही सारा वो धुलाई वगैरह, सारा वो इन्होंने फोम वगैरह लगाया, तो बढ़िया था यार कार्यक्रम तो इन्होंने अच्छा करा। बाकी भाई मैं बिल्कुल अपने घर की गली में ही हूँ, इसलिए सीट बेल्ट नहीं लगा रहा, तो आप कमेंट मत करना सीट बेल्ट लगा लिया अगर। बाकी यार ये मेरे नहीं जचता, ये जो है ना ये बचता रहता है, तो ये मैं हटा दूंगा, अभी यहाँ पे लगा रहेगा, अगर कोई बैठेगा तो उसको ज्यादा परेशानी होती नहीं है, क्योंकि उसको क्लच ब्रेक रेस का क्या ही काम है। ठीक है भाई, तो ऐसी कुछ वीडियो थी, पूरी आपने गाड़ी देख ली, सफाई होती हुई, अब गाड़ी चमक गई, अब देखते हैं भाई कितने दिन तक ये साफ रहती है, मेरे को तो लगता नहीं क्योंकि ये वाला रंग बहुत जल्दी पकड़ता है मैल, मैंने आपको बताया था। भाई वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।